भोपाल में विधानसभा के चुनावों के चलते भारतीय जनता पार्टी के हुजूर से प्रत्याशी रामेश्वर शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया। ऐसे ही कांग्रेस के प्रत्याशी जय श्री हरि किरण ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। आज भारतीय जनता पार्टी के निर्देश अनुसार हुजूर विधानसभा से आज मैंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है और पिछले दौरान हुजूर विधानसभा में जो कुछ विकास कार्य किए हैं वो सामने हैं। आगामी जो हमारे विकास कार्य की योजना है वो जनता के सामने है। हमारा अपना सपना है, क्योंकि हुजूर विधानसभा संपूर्ण राजधानी के चारों तरफ घेरे हुए हैं। मैं जयश्री हरिकरण बेरसिया विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हूँ और बेरसिया विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। और सबसे बड़ा मुद्दा अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों को लेकर के। वहाँ के किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं और जिस तरीके से अपनी फसल को मांग करने के लिए मंडी में जाते हैं और 24-48 घंटे लाइन में लगे रहते हैं, ना पानी की व्यवस्था ना खाने की व्यवस्था, जिस तरह से समस्याओं को सामना कर रहे हैं, जिस प्रकार से जो उनको उचित दाम नहीं मिल रहे वो समस्या को विशेष ध्यान रखा जाएगा। दूसरी तरफ जो रोजगार के लिए वहाँ से युवा वर्ग जो वहाँ से पलायन कर रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए वहाँ पर फैक्ट्री खोली जाएगी और इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज का वहाँ पर निर्माण किया जाएगा और महिलाओं को लेकर के रोजगार के लिए विशेष ध्यान रखा जाएगा और जितने भी स्कूल जो 5वीं से 8वीं तक नहीं है उसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। और कांग्रेस सरकार आते ही 10 दिन में किसानों के कर्जे माफ किए जाएंगे, बिजली के जो बिल है उनको आधे किए जाएंगे और विकास की लहर एक बार बेरसिया विधानसभा में लहराएगी।